फ्रेंड्स, फिर से एक बार है आरिफ भाई हमारे साथ में और आज हमें बताने वाले हैं कि उनके शॉप में कौन से फिश का नया स्टॉक लाए। आरिफ भाई, इस बार आपने कौन से नए फिश का स्टॉक लाए? अब के बार हम लोग ने छोटा अरवाना स्मॉल साइज में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक और इसके अलावा गोल्ड की बहुत सारी वैरायटीज़ है। इसमें कैलिको वगैरह है, रिंकिंग है, पांडास है, रांचू है। यहाँ पे छोटे साइज में हेड वाले फ्लोरन है, शॉर्ट बॉडी में और लॉन्ग बॉडी में इंपोर्टेड वैरायटीज़ के हेड पॉप वाले थोड़े से नज़र आएगा आपको। यहाँ पे गप्पीज की कुछ वैरायटीज़ है मिक्स में, देखिए एक वैरायटी ये है, दूसरी ये है, तीसरी वैरायटी ये है। तो और ये गप्पीज की वैरायटी यहाँ पे। और मॉन्स्टर में यहाँ पे छोटी साइज में फिशेस है, शेवल नोज, कैटफिश वगैरह, जाइंट गुरामी, रेटल जाइंट गुरामी और अपना शिवराम वगैरह है। और बड़ी साइज की होने वाली मच्छी है अभी अगले बड़े मॉन्स्टर में, तो आप लोग को वीडियो करने देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी लोग बड़ा साइज का मॉन्स्टर मतलब अफोर्डेबल नहीं होता है, तो वो हिसाब से हम लोग ने छोटे साइज़ के मॉन्स्टर मछलियाँ फिशेस लाए हुए। और उसके अलावा बड़ी साइज़ की मच्छी हमारे पास है, एग्जाम्पल में बड़ा साइज़ का चिकलेट है यहाँ पे, बड़े साइज़ के कुछ अरवानाज है, ऑस्कर है, शिवरम है बड़ा साइज़ में यहाँ पे, तो ये सब वैरायटी अवेलेबल है। ये रेटल अरवाना है, रेटल गोल्डन अरवाना यहाँ पे बड़ा साइज़ में है, 8 इंच साइज़ है लुक का। यहाँ पे ये गोल्डन हाई बैक है, सेकेंड थिंग ये वाला। तो आगे भाई, इस बार आपने बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन लाया, यानी जो लोग बड़ा फिश जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनके लिए आपने छोटे फिशेस लाए हुए, और उसी के साथ में अगर बड़े फिश किसी को बाय करने हैं तो जैसे कि आपने आरटीजी वगैरह लाया है, गोल्डन हाई बैक लाया, तो बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन रखा है वो इस बार आपने। तो चलिए वन बाय वन सभी फिश का हम स्टॉक देख लेते हैं कि कौन सा स्टॉक है आपके पास। स्टार्टिंग में आप लोग को प्राइजेस बता देता हूँ मछलियाँ का, कौन सा स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है, और आप लोग को पता चलेगा वीडियो के अंदर कि मेरे पास कौन सा स्टॉक अवेलेबल है। तो आरिफ भाई, यहाँ पे हम डिस्कस फिश से चालू करते हैं, तो आपके पास में बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन दिख रहा है डिस्कस फिश का। ये इम्पोर्टेड पांडा चेकर बोर्ड IMP वराइटीज का, तो ये आपको पड़ जाएगा, बिगर साइज है, 4 इंच का साइज है, 3,000 रुपये पर पीस पड़ेगा आपको, 3,000 पर पीस। यस, इम्पोर्टेड वराइटीज बहुत ही प्यारा दिख रहा है आरिफ भाई, उसके वजह से इसका जैसे लुक है उसी के ऊपर। और ये हाई फिन वाला है? नहीं, ये नॉर्मल में आता है, हाई फिन में बुलडॉग जो होता है वो अलग सा होता है, थोड़ा सा उनका शेप थोड़ा अलग होता है। ओके, तो ये नॉर्मल में है, बट अच्छा क्वालिटी का इम्पोर्टेड वैरायटी है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। और इसी के बाजू में दिख रहा है अभी, ये यहाँ पे दूसरी वैरायटी है, स्नेस्किन लेपर्ड कोबाल वगैरह है, ये 3 इंच का साइज रहेगा लुक का, ये आपको 1500 रुपये पर पीस के हिसाब से पड़ेगा, 1500 रुपीज पर पीस। और यहाँ पे दिख रहा है अभी, ये यहाँ पे व्हाइट टर्कवाइज बोला जाता है इसको, ये वैरायटी ये वाली भी आपको 1500 रुपये पर पीस में पड़ेगा, 3 इंच का साइज है लुक का। ओके, और आरिफ भाई यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे वाइट फेस मेलन मैंड्रीन है, ये 3-4 इंच का साइज है लुक का, ये वाला आपको 1500 रुपये पर पीस में पड़ेगा, 1500 रुपीज पर पीस। ये गोल्डन पर्ल है छोटा साइज का, 3 इंच का साइज है इसका, 3000 रुपीज पर पीस पड़ेगा आपको। ओके, 3000 रुपीज में, यानी बड़े वाले जो है अफोर्डेबल नहीं रहते करके अपने छोटे वाले लाए इस बार ना? हाँ, बड़े थोड़े से कॉस्टली होते हैं, तो हिसाब से पब्लिक अफोर्ड नहीं करती, छोटे स्मॉल साइज से पालना चालू करेंगे तो बेस्ट है। ओके, तो गोल्डन पर्ल पाल सकते हैं स्टार्टिंग में, अगर कोई दूसरा अरवाना रखना चाहता है सिल्वर छोड़ के, तो ये अरवाना बेस्ट है। और आरिफ भाई, ये बड़े में भी आपने लाया है, कौन से टाइप के है ये? ये रेटल गोल्डन अरवाना है, 8 इंच का साइज है। ओके, 8500 रुपीज में आएगा आपको, 8500 रुपीज में मिल जाएगा। साइज क्या होगा आरिफ भाई इसका? 8 इंच का साइज है इसका, 8 इंच का साइज है। और आरिफ भाई यहाँ पे दिख रहा है, ये कौन सा है? ये गोल्डन हाई बैक है, गोल्डन हाई बैक अरवाना है। ओके, इसका क्या प्राइस है? 9000 रुपीज में पड़ेगा आपको। और क्या साइज होगा? ये 8 इंच का साइज है, 8 इंच का साइज होगा इसका, है ना? और आरिफ भाई, आपने डिस्कस फिश के टैंक में इसको रखा हुआ है, तो नहीं आप ये दिखाना चाहते हो कि डिस्कस के साथ में आप इसको रख सकते हो? डिस्कस के साथ में रहता है ये अरवाना, क्योंकि एक्चुअल छोटा मच्छी जो होती है उसमें नहीं रखा जाता है, उनके मुंह से बड़ा रहने वाला मच्छी चाहिए। और ये भी ज़रूरी है कि आप बड़ा है तो एग्रेसिव मच्छी आप ना डालें इसमें, तो डैमेज करने के चांसेस होते हैं थोड़ा सा। और आरिफ भाई, ये यहाँ पे भी अरवाना पीस देख रहा है, ये कौन से टाइप का है? ये सिल्वर अरवाना है, आपको 8 इंच का प्लस साइज है इसका, मतलब एक 9 इंच तक का साइज़ है, 1200 रुपीज पर पीस में आपको पड़ेगा, बड़ा साइज का है थोड़ा सा। Okay. तो 1200 रुपये पर पीस पड़ेगा आपको, 1200 रुपीज पर पीस। इसी में गोल्ड फिश का भी कलेक्शन दिख रहा है, गोल्ड फिश के अंदर यहाँ पे कैलिगोज है और रिंकिंग गोल्ड है, और ये वैरायटी जो है मिक्स है मेरे पास, तो आप लोग को 1200 मतलब पर पीस के हिसाब से पड़ेगा, 2400 में, बिगर साइज है रिंकिंग। और इसके अलावा यहाँ पे जो छोटे वाले नज़र आ रहे हैं कैलिगोज,
तो आपको 400 रुपीज़ फोर पैर में पड़ जाएगा, 400 रुपये जोड़ी में। 400 रुपीज़ पैर में ना, बहुत ही एक्टिव लग रहा है अभी भाई फिश। हाँ, ये गोल्ड इम्पोर्टेड अच्छा क्वालिटी का थोड़ा सा, तो ये इसका प्राइस है। और इसके अलावा यहाँ पे ये वाले भी इम्पोर्टेड ट्रायोकलर बटरफ्लाई है, पांडा गोल्ड बोलते हैं इसको, इम्पोर्टेड में आएगा। 3000 पैर में आपको पड़ जाएगा, 3000 रुपये जोड़ी में। 3000 रुपये जोड़ी में है। और इसमें ये वाला दिख रहा है, ये रांचू है, रांचू गोल्ड जो आपको 400 रुपीज़ पैर में आएगा, 400 में आ जाएगा। इसको ऊपर का जो फिन रहता है वो नहीं रहता है ना? नहीं, उसका शेप थोड़ा सा इसके ऊट के ऐसा होता है, बना हुआ होता है। 400 बहुत ही प्यारे से कलर लाए अरे भाई गोल्ड में भी इस बार ऑन डिमांड। ये ट्रायो कलर है, खूबसूरत कलर आता है इसमें। और पिछली शॉप में भी दूसरे गोल्ड जो पांडास वगैरह वहाँ पे भी है, वो भी 1500 रुपये पर पीस में पिछले दुकान का। तो अभी भी यहाँ पे मेल भी अवेलेबल है अपने पास में, बेटा में बेटास का कलेक्शन है, होता है हमारे पास शॉप में। 150 पर पीस के हिसाब से आपको मूनटेल्स वगैरह मिल जाते हैं। ओके। और उसके अलावा एलिफेंट ईयर वगैरह 250 के रेंज में, और वाइट वाला 250 के रेंज में मिल जाता है आपको। और कैंडी प्लाकार्ड वगैरह आपको 300-400 के रेंज में आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा फीमेल्स भी अवेलेबल होती है हमारे पास। तो अभी भी यहाँ पे फीमेल भी दिख रहा है बेटा में, ये बेटास की फीमेल है बिगर साइज की एडल्ट में। इनके क्या प्राइस है यार? ये आपको 154 पर पीस में मिलेगा। 150 रुपीज़। अगर किसी को ब्रीडिंग करना है तो आराम से कर सकता है। हाँ, इसको ब्रीडिंग के पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं आप उसको। आपको थोड़ा दिन उसको अलग रखना होता है, इंट्रोड्यूस कराना होता है, और उसके बाद आप उसको ब्रीडिंग में यूज़ कर सकते हो। इसलिए बहुत ही प्यारा था अरे भाई, यानी बहुत सारे लोग देखते हैं कि फीमेल उनको मिल जाए बेटा, जिससे कि वो ब्रीडिंग कर सके, तो आपके शॉप में मिल जाएगा उनको है? हाँ, अगर आपको एक दो पीस बाय करना है तो आप शॉप पर आकर बाय कर सकते हो। परी एक्वेरियम 2 के अंदर, परी एक्वेरियम 1 के अंदर आपको ये फीमेल्स मिल जाएंगे। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और काफ़ी अच्छी कंडीशन में और बिगर साइज़ में फीमेल है। और फीमेल एट ए टाइम होती है, काफ़ी लोगों का बोलना होता है कि भाई फीमेल मेल के मुकाबले में सस्ती होना चाहिए। तो आप लोग को बता दूंगा मैं कि इसके अंदर भी डिपेंड होता है वराइटीज़ के ऊपर। अगर लोकल फीमेल लेंगे तो आपको सस्ती मिलती है, जो नॉर्मली जो होती है लोकल इंडियन फीमेल वो आपको सस्ती मिलती है, 50 रुपये 100 रुपीज़ के रेंज में मिलती है। तो वो इनमें और इनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि इनके साथ कलर में और टेल वगैरह में बॉडी शेप में फ़र्क होता है, और ये अच्छे क्वालिटी की रहती है, तो आप इसको ब्रीडिंग में यूज़ कर सकते हो। तो आर्य भाई, एज यूजुअल आपके पास में गप्पी फिश का बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन रहता है, तो इस बार भी गप्पी फिश का कलेक्शन दिख रहा है, इसका क्या प्राइस है आर्य भाई? गप्पीज के अंदर ये बिगर साइज़ का गप्पी है, मतलब एडल्ट साइज में, ब्रीडिंग साइज का जो होता है बच्चे देने वाली, तो ये इसके अंदर आपको मिक्स लॉट में मिलेगा। इसके अंदर स्नेस्किन वगैरह है, कोबराज है, रेड कोबराज वगैरह है, येलो टेल गप्पी वगैरह मिक्स में इसके अंदर आपको। तो अगर आप डजन में लेना चाहेंगे तो आपको 700 डजन में मिलेगा। 700 रुपीज़ डजन। अगर आप पेयरिंग में लेना चाहते हैं तो 154 पैर में मिलेगा आपको। 150 रुपीज़ पैर में मिलेगा ना। और इधर भी दिख रहा है आरिफ भाई, यहाँ पे भी दूसरी वैरायटी है रेड कोबराज में। हाँ, ये कौन से टाइप का? ये भी रेड कोबराज है इसके अंदर। ओके, तो इनका भी सेम प्राइस है आरिफ भाई? सेम प्राइस, इसके अंदर मेल फीमेल दोनों अवेलेबल है आपको, फुल साइज का बड़ा टेल वाला गप्पी है ये। और आगे ये रेटेल का पीस है बिगर साइज की, तो आपको ये भी प्राइस में सेम पड़ जाएगा, मेल एंड फीमेल दोनों इसके अंदर, बड़ा टेल वाला ये। ओके, तो आपको 700 डजन में पड़ेगा और 154 पैर में पड़ जाएगा। ओके, इसका भी सेम ही प्राइस है लगभग। यस, वेराइटीज डिफरेंट है। और यहाँ पे भी दिख रहा है अरे भाई गप्पी फिश का कलेक्शन, ये इसके अंदर डम्बो ईयर वगैरह एंड अल्बिनो, मतलब मिल्की गप्पीज और मिक्स लॉट इसके अंदर। तो ये वाला भी आपको 700 रुपये डजन में पड़ जाएगा, 154 पैर में आएगा आपको। ओके, 150 रुपीज़ पैर में आएगा। इसमें पूरा मिक्स लॉट दिख रहा है, मिक्स लॉट है इसके अंदर, मेल एंड फीमेल दोनों अवेलेबल है इसके अंदर। ये भी वैरायटीज है अच्छी क्वालिटी की। यहाँ पे आपके पास में बहुत ही प्यारा सा प्रॉन का फिश दिख रहा है, ये वाइट आइज में फ्लॉर है, इसको एस्ट्रो वगैरह बोला जाता है। दोनों आगे पीछे का दोनों सेम है, वाइट आइज है ये। तो इसका प्राइस आपको 2200 रुपीज़ पड़ जाएगा, 2200 रुपये पर पीस। ओके, और पीछे जो है उसका वो वाला भी वाइट आइज में है, तो सेम थिंग सेम प्राइस में दोनों है, सेम प्राइस में मिल जाएगा। अरे भाई, जैसे कि इसका थोड़ा सा हेड वगैरह अच्छा है, तो उसकी वजह से प्राइस भी इसका अच्छा है, तो कम प्राइस में अगर किसी को बाय करना है तो उसके लिए हमारे पास में अवेलेबल है। हाँ, जैसा हम अच्छी लेंगे फ्लोरॉन, जिस टाइप का आपको लेना है, अगर स्मॉल साइज में लेना है तो भी अवेलेबल है मेरे पास। तो उसमें 3-4 टाइप है, शॉर्ट बॉडी वगैरह सब कुछ उसमें। अरे भाई, यहाँ पे दिख रहा है ये शॉर्ट बॉडी है, हेड वाला शॉर्ट बॉडी आपको नजर आ रहा है। ये कितने तक मिल जाएगा अपने पास सारी? ये आपको बेबी है ये, मिनिमम 2.5 इंच का साइज का। ओके, तो आपको ये 500 रुपीस पर पीस के हिसाब से आपको पड़ेगा ये। ओनली 500 रुपीस? यस। बहुत ही बढ़िया, रखने के लिए बहुत ही अच्छा दिखेगा ये, सिंगल एक टैंक में।
ये गोल मटोल सा पैरेट जैसा शेप हो जाता है इसका, आगे साइड आता है इसको, और ये काफ़ी मतलब पैरेट का फुल साइज और माई साइज़ का होता है ये। और इसके अलावा यहाँ पे इम्पोर्टेड गोल्ड ये भी है, थाई सिल्क के यहाँ पे एस आर डी है इसके अंदर, ये सब इम्पोर्टेड बेबीज है, हेड आने वाले बच्चे हैं ये सब। तो इनमें से कोई भी बाय करेंगे 500 स्क्वायर फीस के हिसाब से आपको पड़ेगा ये वाला। इसके अंदर अल्बिनो है, अल्बिनो मिक्स लॉट है इसके अंदर, शॉर्ट बॉडी एंड लॉन्ग बॉडी दोनों है अवेलेबल। कॉमन में रखा है तो हेड थोड़ा कम नजर आ रहा है, आप इसको अगर पार्टीशन में रखेंगे अलग अलग सिंगल तो हेड आ जाएगा इसको। यहाँ पे दिख रहा है ये कौन से टाइप का है? ये शॉर्ट बॉडी है, ये थोड़ा अलग टाइप्स का है, थोड़ा सा अलग टाइप अलग क्वालिटी का थोड़ा सा, तो आपको 600 रुपये रेट में पड़ जाएगा ये वाला। 600 रुपीज़ ईच। यस करके आपने सेपरेट भी रखा है, हेड भी दिख रहा है। ये थोड़ा अलग थोड़ा अच्छा क्वालिटी का है, ये वाला भी आपको 600 ईच में पड़ेगा। यहाँ पे भी है आप इसे इसके अंदर थोड़ा और थोड़ा लो कैटेगरी का चाहिए तो भी अवेलेबल है, रेड ड्रैगन्स में मेरे पास। यस यस बहुत बढ़िया। तो आरी भाई इसका बात कर रहे थे आप, ये साड़ी बेबीज है ये थोड़े लॉन्ग बॉडी में हल्के 200 रुपीज़ इंच के हिसाब से आपको। 200 रुपीज़। हाँ ये लोग को भी हेड आएगा, सिंगल सिंगल रखेंगे तो आप। कलर भी दिख रहा है अरे भाई, कलर आ रहा है करके तो। ये भी अच्छी क्वालिटी के, बट इंसान जैसा मतलब जैसा टाइप का लेना चाहते हो उस टाइप का है, इसमें भी थोड़ा सा अलग अवेलेबल करवाएगा। यानी आप ऑलवेज थिंक करते हो बायस के लिए, यानी अगर किसी को नहीं जम रहा है कम प्राइस में चाहिए तो उसके लिए भी फिश ला के रखते हो? हाँ, जिस टाइप का आदमी लेना चाहे उस तरीके से थोड़ा सा उनके लिए वो करना पड़ता है। बहुत बढ़िया। 200 रुपीज़ में और कहाँ पे मिलेगा अरे भाई? ये फ्लोन के बेबी बहुत ही प्यारे से दिख रहे हैं, इन लोग को हेड उठा हुआ है, लोग को पर्सनल पर्सनल रखेंगे तो लोग को हेड आ जाएगा। फिश का भी बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन दिख रहा है, रेड येलो में। यस येलो रेड हाशेप एंड नॉर्मल पैरेट है इसमें। ओके मिक्स है, मिक्स है दो टाइप्स के पैरेट्स इसमें, तो आप लोग को बता दूंगा पैरेट। इसके अंदर एक 700 रुपीज़ पैर वाला हार्ट शेप पैरेट है, और नॉर्मल वाला आप लेते हो रेड वाला 600 रुपीज़ पैर में आएगा। ओके तो ये वाला 600 पैर में नॉर्मल में। ओके और हार्ट शेप वाला थोड़ा 700 रुपीज़। और इनको किसके साथ रख सकते हैं अरे भाई? आप चिकलेट के साथ में रख सकते हैं ना। ओके यहाँ पे जो दिख रहा है ये चिकलेट का सेटअप, चिकलेट का भी बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन दिख रहा है अरे भाई आपके पास। चिकलेट में इसमें छोटे और बड़े दोनों मिक्स है इसके अंदर, काफ़ी लोग का टैंक बनाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि भाई हमारे पास ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं तो हम इसके अंदर छोटे किस तरह से डालना चाहिए, तो इस तरह से डालना चाहिए। छोटे चिकलेट भी आप रख सकते हो। ओके यानी कॉम्बिनेशन चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे बड़े चिकलेट, छोटे बड़े ऑल मिक्स चिकलेट है इसके अंदर। आप लोग को प्राइस बताए तो बड़े बिगर साइज के चिकलेट जो है ये बड़े वाले मॉन्स्टर वाले 500 रुपीज़ पैर में आपको पड़ जाएगा, 250 रुपये पर पीस में। और इसमें बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ के चिकलेट, कोडांगो बाई कलर वगैरह है और बनाना भी दिख रहा है। हाँ इसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज है, बताता आप लोग को नाम, नियोनाकारा वगैरह है इसके अंदर, वीनस है इसके अंदर, और येलो बनाना इलेक्ट्रिक ब्लू वगैरह है, बहुत सारी वैरायटीज इसके अंदर। और छोटे वाले स्मॉल साइज़ के आप चिकलेट लेना चाहते हो, छोटे वाले से आप लेंगे मतलब ये 2.5 इंच का साइज़ है लोग का, छोटे वाले 100 रुपीज़ ईच में आएगा आपको। 100 रुपीज़ ईच। यस एंड नियोनाकारा 150 पर पीस में पड़ेगा आपको। नियोनाकारा है ना? यस ये भी बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। इसके अलावा डॉल्फिन वगैरह सब कुछ है इसमें। कलर ये एक्चुअल कॉमन में है, इसको टैंक थोड़ा छोटा पड़ रहा है, और टैंक थोड़ा बड़ा रहेगा 4 फुट या 5 फुट का टैंक है, तो आप इस तरह से कॉम्बिनेशन का टैंक आप डे फूड वगैरह डाल के। और इसके साथ में आप शक्कर भी रख सकते हो, ये भी दिखा रहे हो अरे भाई। ये शक्कर एक्चुअल एल्गी खाने का काम करता है, तो सबसे बेस्ट है, मैं बड़ा शक्कर बोलता हूँ लेने के लिए, तो वो हिसाब से अच्छा है। और अरे भाई यहाँ पे ब्लैक गोस्ट दिख रहा है, बड़े साइज के ब्लैक गोस्ट है ये, तो आप लोग को ये मेरे हिसाब से साइज इसका 5 इंच समथिंग, 5 इंच साइज़ है लोग का, 5 से 6 इंच का साइज़ है ब्लैक गोस्ट का, बड़ा ब्लैक गोस्ट है ये। ओके 500 रुपीज़ से पैर में आपको पड़ जाएगा, 250 रुपये पर पीस के हिसाब से। अगर आप ब्लैक गोस्ट मानना चाहते हैं तो इसका साइज मिनिमम 12 इंच तक का चले जाते हैं। 12 इंच तक जाता है अगर बड़ा होता है। हाँ बड़ा होता है। और अगर आप ओनली फॉर ब्लैक गोस्ट का भी टैंक बनाना चाहते हो तो आप इसको बना सकते हो, काफ़ी खूबसूरत लगता है। थोड़ा सा ऐसा प्लेन प्लेस आपको, थोड़ा सा रिंग वगैरह डाल के आप इसको थोड़ा सा एक छुपने के लिए जगह वगैरह, काफ़ी बड़े काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ओके और इधर भी दिख रहे हैं, यहाँ पे छोटे ब्लैक गोस्ट है ये वाले। ओके 125 इंच के हिसाब से आएगा आपको, 3 इंच का साइज है लोग का, 3 इंच प्लस है। यानी किसी को छोटे में चाहिए तो छोटे में भी मिल जाएगा। फाइन। हाँ 254 पैर में आपको मिल जाएगा ये। इसके अलावा यहाँ पे सिल्वर शार्क है, बाला शार्क, ज़्यादा 254 पैर में आएगा आपको, 250 रुपये पैर। हाँ साइज रहेगा 3-3.5 समथिंग। सब्सक्राइब फिशेस एंड प्लांट्स सो यू कैन सी अवर अपकमिंग वीडियोज़।
तो अरे भाई यहाँ पे जो ऑस्कर फिश है उसका बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन दिख रहा है, ये कौन सा टाइप का ऑस्कर है सर? ये टाइगर ऑस्कर है एंड फायर ऑस्कर है। हाँ हाँ, ये 500 रुपीज इंच में आपको पड़ जाएगा। 500 रुपीज इंच बड़ा साइज है ये, 5 इंच का साइज है। छोटे में भी, इसमें छोटे भी है, छोटे वाले भी है इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओके, ये तो इनका क्या प्राइस है? ये 400 पेयर में आएगा आपको। 400 रुपीज पेयर में। यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे टाइगर ऑस्कर है। ओके, ये वाला आपको, ये आपको पड़ जाएगा 454 पैर में, बड़ा साइज पैर में टाइगर ऑस्कर है। ओके, और इसका साइज क्या होगा? ये मिनिमम 3-3.5 इंच का साइज है। और ऑस्कर के साथ में कौन सा फिश को रख सकते हैं? ऑस्कर के साथ में आप रखने के लिए शिवरम वगैरह या पिराना वगैरह या फिर जाइंट गुलामी या छोटा साइज का रखना, अगर बड़ा रखेंगे तो जाइंट गुलामी आता है, तो पैरेट वगैरह आप रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी भी शिवराम दिख रहा है, रेड शिवराम, रेड शिवराम बिगर साइज में। इसका क्या प्राइस है? पहले रेड इंच में आएगा, बड़ा साइज है, 1200 रुपीज इंच, 6 इंच का साइज। ओके, इसके वजह से उसका प्राइस, यानी यहाँ पे आपको फुल कलर देखने को मिलेगा शिवराम में, है ना? रेड शिवराम है वो। और इसमें भी छोटे अवेलेबल है अभी? उसमें छोटा साइज भी है मेरे पास, रॉटकिल शिवराम एंड रेड शिवराम, ये वाले बोल रहे थे। हाँ, यहाँ पे रेड शिवराम है, रॉटकिल शिवराम है, रॉटकिल शिवराम आपको 400 रुपीज पैर में आएगा। Okay. और रेड शिवराम आपको 500 रुपीज पैर में आएगा। तो ये अगर किसी को छोटा साइज चाहिए तो उसमें यहाँ स्मॉल में भी यहाँ से बाय कर सकते हैं ना? यस, आपको 2-2.5 इंच का साइज है लोग का, तो आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं और इसको पाल सकते हैं आप ऑस्कर वगैरह के साथ में। आपको मॉन्स्टर टैंक आपने बनाया तो रख सकते हैं। अरे मॉन्स्टर टैंक के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट फिश है ये, बेस्ट फिश है, चिकलेट में आती है, सेमी एग्रेसिव में। ओके, और यहाँ पे जो ऑस्कर दिख रहा है अभी भी, ये वाले कौन से टाइप के ऑस्कर है? ये मैंगो टाइगर ऑस्कर है मॉजिक में, ये वाला, तो ये आपको 400 रुपीज पैर में पड़ जाएगा। 400 रुपीज पेयर, यानी 200 रुपीज ईच। और यहाँ पे अरे भाई जो फीस दिख रहा है, ये कौन से टाइप का फीस है? यहाँ पे रेड जैन गुरामी एंड रेड आइज अल्बिनो जैन गुरामी यहाँ पे, और यहाँ पे लेपर्ड शेवल नोज है, तो ये 3-4 टाइप की मच्छी है इसमें। यहाँ पे दिख रहा है, तो इनके कैसे प्राइसेस है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? लेपर्ड शेवल नोज जो है आपको 400 इंच में पड़ेगी, 400 रुपये पर पीस के हिसाब से। और अल्बिनो जैन गुरामी जो है बड़ा साइज़ है, 3-4 इंच का साइज़ है, आपको 300 रुपये पर पीस पड़ेगा। रेड एंड जैन गुरामी आपको 600 रुपये पर पीस पड़ेगा। और इसके अंदर है जो ऑस्कर डाला हुआ मैंने रखता है साथ में इसके लिए, थोड़ा बताने के लिए, यानी दिखाने के लिए कि आप ऑस्कर रख सकते हो, यानी मॉन्स्टर टैंक बनाओगे तो ऑस्कर के साथ में बाकी फिश भी रख सकते हो ना? यस, ये मॉन्स्टर में आती है, लेपर्ड शेवल नोज़ है, ये मॉन्स्टर है। ओके, बड़ा होता है ये मछलियाँ, 2-2 फीट की जाती है साइज लोग की। बहुत बड़ा साइज हो जाता है मॉन्स्टर है, खाने पीने में भी तगड़ी मछली है और हेल्थ हो जाती है अच्छी, काफ़ी बड़ी होती है। अरे भाई यहाँ पे टेट्रो फिश का भी प्यारा सा कलेक्शन दिख रहा है आपके पास? विडोज है, और पर्पल विडो और येलो एंड ग्रीन वाला है इसके अंदर, और यहाँ पे रेम्बोज है, रेड रेम्बो, रेम्बोज भी दिख रहा है यहाँ पे ना, रेम्बो की वैरायटी है। आप रेम्बो की वैरायटी प्लांटेड में काफ़ी खूबसूरत लगती है, मैं आप लोग को बताता हूँ रेम्बो की वैरायटी। अरे भाई ये है क्या रेम्बो फिश? यस, ये रेम्बो है, जो मैं तो कलर दिख रहा है। एक्चुअली जितना भी टेट्रास की वैरायटी है, रेम्बोस की वैरायटी है, जब ये प्लांटेड में, जब नेचुरल एनवायरनमेंट में जाती है तो अपना कलर दिखाना चालू करती है। तो जैसे इसमें अभी प्लांटेड प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स, तो ये कलर शो करना चालू कर दिए इन्होंने। ये काफ़ी खूबसूरत लगती है दिखने के लिए, देखिए इसका कलर काफ़ी अच्छा रेडिश कलर आता है। इसके अलावा यहाँ पे एंजल आप नजर आ रहा है आप लोग को? हाँ, एंजल में बढ़िया कलर दिख रहा है। ये एंजल आपको, ये भी बताता हूँ मेरे पास, ये भी अवेलेबल है यहाँ पे, देखेंगे आप। ओके, ये एंजल ब्लू एंजल है, मनुकापुरम एंजल है ये। हाँ हाँ, ओके, चलो मैं आप लोग को इसके प्राइस बता रहा हूँ। टेट्रास पहले टेट्रास के प्राइस देख लेते हैं। टेट्रास आप लेंगे तो 154 पैर में आपको मिल जाएगा, रेड बड़ा साइज है लोग का, ये साइज है मिनिमम, तो आप लोग को 154 पैर में मिलेगा, पर्पल ग्रीन एंड येलो वाला इसके अंदर। ओके, यस, एंड इसके अंदर जो ये रेम्बोज है, रेड रेम्बोज है, आपको 400 पैर में मिल जाएगा। ओके, 400 पैर, यस। एंड इसके अलावा बोस्मानिया से यहाँ पे बोस्मानिया लेंगे, वो भी 400 पैर में आपको आ जाएगा। ओके, टीगर साइज में। गुड आरिफ भाई, ओके, ये है एक टैंक का मच्छी। ओके, इसके अंदर, ये इसके अंदर अनुबियस है, अनुबियस नाम है। हाँ, अनुबियस, अनुबियस टीगर साइज का है, बड़ा पत्ते वाला, 300 रुपीज़ शूट में आपको आएगा। आप इसको बिना डिफूड वगैरह पे या पत्थर वगैरह पे बांध सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। उसके अलावा पे फोन है, विंडो फोन है, वो यहाँ पे पीछे वाला वो। ओके, तो भी पत्थर वगैरह पे बांध सकते हैं आप उसको, डिफूड वगैरह पे। वो कितने तक मिल जाता है? 200 रुपीज़ शूट के हिसाब से आता है, 200 रुपीज़। और अभी भाई यहाँ पे कौन सा फिश है? यहाँ पे ये उड़ीसा बाबे हैं। ओके, ये वाले, हाँ,
थोड़ी सा भाव ये वाला आपको 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से आएगा। ये थोड़ा सा रेयर होता है, थोड़ा सा कलर काफ़ी खूबसूरत लगता है प्लांटेड के अंदर। ओके, ये टेट्रा के साथ रख सकते हैं? टेट्रा में नहीं रख सकते, आप इसको प्लांटेड में रख सकते हैं। प्लांटेड में आप जैसे इसका अलग से सेटअप बना लो। हाँ, इजीली आप इसको डायनासोनी वगैरह या फिर आप ग्रेबंसेस वगैरह के साथ में रैम्स के साथ में आप इसको रख सकते हैं। और ये बॉलीवियन रैम्स हैं लॉन्ग बॉडी में। ओके, ये बॉलीवियन रैम्स है। ओके, ये वाला 354 पैर में आपको पड़ेगा, 175 ईच में। 175 रुपीज़ ईच। हाँ, ये ग्रेबन साइज है, बिगर साइज में। ओके, 175 ईच पड़ेगा बड़ा साइज का। ओके, और ये 50। ये इलेक्ट्रिक ब्लू रैम्स है, 500 अ पैर और 600 फोर पैर में। इसमें येलो वाले भी है? गोल्डन वाले भी है इसमें। गोल्डन वाले ये इधर दिख रहे हैं ना? गोल्डन में। ओके, गोल्डन वाले लेंगे, गोल्डन वाले 500 में है और ब्लू वाला इलेक्ट्रिक जो है ये वाले 600 के, थोड़े कॉस्टली होते हैं, थोड़े कॉस्ट के हिसाब से। ओके ओके, और इसमें बड़े साइज के टेट्रा दिख रहे हैं? वीडियो टेट्रा है बिगर साइज में। ये कितने मिल जाता है? ये आपको पड़ जाएगा 100 रुपीज़ ईच में। 100 रुपीज़ ईच। और यहाँ पे टेट्रास की वैरायटी दिख रही है भाई? ये जो है ब्लैक नियॉन है। ओके, ब्लैक नियॉन टेट्रा। हाँ। ओके, नॉर्मल नियॉन से काफ़ी खूबसूरत लगते हैं प्लांटेड के अंदर। तो ये कितने का है भाई? 350 पर डजन में पड़ेगा। 350 रुपीज़ डजन। यस। ओके, और इसमें दूसरा वो पैक साइड में आपको नज़र आ रहा है नियॉन बैम्बोस। ओके, वो कितने का? बड़ा साइज का है, 1.5 इंच समथिंग है, बड़ा है थोड़ा। हाँ, तो आपको ये 500 फॉर डजन में पड़ जाएगा। 500 रुपीज़ डजन। और इसमें ये वाला जो दिख रहा है अर्लीक्विन राजबोरा। अर्लीक्विन राजबोरा। हाँ, अर्लीक्विन राजबोरा 600 फॉर डजन। 600 रुपीज़ डजन है ना? यस। ओके, और इसमें अरे भाई ये रमिनोस टेट्रा दिख रहा है? रमिनोस टेट्रा आपको 500 फॉर डजन में पड़ जाएगा। 500 रुपीज़ डजन। ये थोड़ा छोटा साइज है, इसके अलावा बड़ा भी है, ये बताना। और ये वाला जो फिश दिख रहा है अरे भाई, ये मेरे को लग रहा है जेब्रा फिश है। डेनियो जेब्रा फिश है। येलो और ग्रीन कलर है इसका, दो ही कलर अवेलेबल है अभी फिलहाल। और इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा गाजर कलर भी। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट, कम क्वांटिटी, कम बहुत कम क्वांटिटी है। हाँ, तो यहाँ पे ये आपको डजन मिलेगा 254 डजन में पड़ेगा। 250 रुपीज़ डजन में। ओके, इसमें से और इसमें अरे भाई स्नेल भी दिख रहे हैं? ये किलर स्नेल है, SSS स्नेल है। ओके, ये कितने तक मिल जाते हैं? ये 100 रुपीज़ में दो आता है। 100 रुपीज़ में दो। हाँ। ओके, तो ये प्लांटेड एक्वेरियम में यूज़ करते हैं? ये जंगली स्नेल होता है तभी डालते हैं ये। ओके, यानी अगर बहुत ज़्यादा जंगली स्नेल हो जाते हैं उनको किल करने के लिए इनको डालते हैं, किलर। तो अरे भाई इसमें एक एक्वेटिक प्लांट भी दिख रहा है, ये कौन से टाइप का है? ये एक्चुअल आपको ब्रीडिंग पर्पज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हो। okay, आपको गपीज़ वगैरह ब्रीड करना है तो आप इसको डाल सकते हो। इसके लिए अच्छा सा यानी एक बच्चे लोग के छुपने के लिए। ओके, हाइडिंग स्पेस प्रोवाइड करेगा भाई ये बढ़ता है, बहुत बढ़िया। यानी आपने ये भी अवेलेबल करवा के दिया है लोगों को, आप देख सकते, बहुत ही प्यारा, ठीक है ना, अच्छा दिख रहा है भाई। अरे भाई यहाँ पे भी टेट्रा फिश का कलेक्शन दिख रहा है आपके पास में, ये कौन से टाइप के टेट्रास है? यहाँ पे जो रेड वाला जो अंबर टेट्रास है ये। हाँ हाँ, अंबर टेट्रा 504 डजन में पक्को पड़ जाएगा। 500 रुपीज़ डजन। यस, बढ़िया दिख रहा है भाई ये छोटा सा फिश अंबर टेट्रा, बढ़िया दिख रहा है। अंबर टेट्रा एक्चुअल रेयर होता है थोड़ा सा, और इससे छोटा रहने के बावजूद ये थोड़ा कॉस्टली है, और इसका कलर काफ़ी खूबसूरत लगता है प्लांटेड के अंदर। ओके, अंबर टेट्रा। ओके, सेकेंड थिंग यहाँ पे ग्लो लाइट टेट्रा है जिसके बीच में लाइन है। ओके ओके, ये आपको 254 डजन में पड़ जाएगा, 250 रुपये डजन में। ओके, और ये वाला ब्लैक का है? ये एम्परर टेट्रा है, एम्परर, ये भी प्लांटेड का है। इसके लाइट जो आँखें इसकी चमकती है, इसके बॉर्डर जो होती है लाइट चमकती है, और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है प्लांटेड में। ये आपको 504 डजन में पड़ जाएगा। 500 रुपीज़ डजन। यस, और इसके अलावा यहाँ पे अल्बिनो पिस्टेला है। ओके, ये भी प्लांटेड का है, ये भी टेट्रास की वैरायटी, ये भी आपको पड़ जाएगा 354 डजन में। 354 डजन। यस, और यहाँ पे नियॉन टेट्रा दिख रहा है? ये नियॉन टेट्रा है और 254 डजन में। ओके, और अभी भाई यहाँ पे एंजल फिश, ये एंजल है मनकापुरम एंड ब्लू एंजल है इसके अंदर। ओके, ये कौन से, कितना प्राइस है अरे इसका? ये इम्पोर्टेड एंजल है, काफ़ी प्लांटेड में खूबसूरत लगता है, और तो आपको 100 रुपीज़ ईच में पड़ेगा। 100 रुपीज़ ईच। यस। ओके अरे भाई, और एंजल में है अपने पास में? एंजल में अभी फिलहाल ये यहाँ पे नहीं है, वो शॉप पे है, बैक वाले। अरे भाई यहाँ पे भी दिख रहा है टेट्रा फिश का कलेक्शन। हाँ, यहाँ पे चेरी बाप से ब्लैक फैंटम है, एडलर गप्पीज है इसमें, और अंबर टेट्रा है इसमें। ओके, okay, इनके क्या प्राइस है? अंबर टेट्रा 504 डजन है। और अंबर टेट्रा कौन सा है अरे भाई? ये जो रेड वाला है ना? हाँ, रेड वाले, बहुत ही छोटे से है ये, छोटे रेड, ये चेरी बाप से।
चेरी बाबी प्लांटेड में रेडिश कलर का खूबसूरत। और ये वाला कौन सा है? ये ब्लैक फैंटम है। ब्लैक फैंटम और यहाँ पे पांडा कौड़ी है। पांडा कौड़ी दिख रहा है, प्राइस बता देता हूँ। ठीक है ना, पांडा कौड़ी 300 फोर पैर में आएगा। ओके, चेरी बाब, चेरी बाब आपको डजन मिलेगा, 500 फोर डजन है, बड़ा साइज है, 500 रुपये डजन है। और ये वाला ब्लैक फैंटम है, बड़ा साइज है, 300 रुपये डजन है, 300 रुपीज़ डजन। बस एडलर गप्पी है, एडलर गप्पी का कैसा? 350 फोर डजन में, 350 रुपीज़ डजन। और इसमें जो दूसरे बोल रहे थे आप, हो गए सब वैरायटी, अंबर है, एडलर है, अंबर 500 फोर डजन, 500 रुपीज़ डजन। और आर्य भाई यहाँ पे भी फिश दिख रहा है, ये कौन से टाइप के? यहाँ पे बड़ा साइज का रमिनो स्टेटर है, बिग साइज का 700 फोर डजन है, 700 रुपीज़, क्योंकि बड़ा साइज का, बड़ा साइज बिगर। इसके अंदर हर्ली क्वीन रासबोर है, वो भी बड़ा साइज का है, एस पी हर्ली क्वीन है, पीछे बैक साइड में एस पी हर्ली क्वीन रासबोर है। ओके, चला 700 डजन। ओके, और आर्य भाई यहाँ पे, यहाँ पे हाफ बिग है, ये कितने का? 150 ईच, 150 रुपीज़ प्लेटिनम हाफ बिग है। बहुत ही प्यारा दिख रहा है, प्लांटेड में खूबसूरत लगती है सब मच्छियाँ। ओके, यहाँ पे सीजल टेल टेट रहा है, सीजल टेल टेट रहा है। ओके, इनका क्या प्रॉब्लम होगा? ये आपको 800 रुपये डजन पड़ेगा, 800 रुपीज़ प्लांटेड में, बहुत ही प्यारा प्लांटेड का फिश। राजे तो इसमें प्लांट भी दिख रहा है, ये अनुबियस, ये कितने तक मिल जाता है? 300 रुपये का शूट है, 300 रुपीज़ का शूट है ना। आप इसको ऐसा पत्थर वगैरह डी फूट में बांध सकते हो। ओके, अरे यहाँ पे टेट्रा का फिश दिख रहा है, कौन से? हाँ, यहाँ पे तीन टाइप का टेट्रा है, हॉकी टेट्रा, ब्लैक फैंटम और रेड फिन टेट्रा। ओके, तो मेरे को बताइए ब्लैक फैंटम का, ब्लैक फैंटम आपको 250 रुपये डजन पड़ेगा, छोटा साइज है, स्मॉल साइज का। ये वाला हॉकी भी 250 रुपये डजन पड़ेगा, 250 रुपीज़ डजन। यस, और इसके अंदर जो बोल रहे थे आप, ये रेड फिन टेट्रा, रेड फिन टेट्रा कितने का? 500 रुपये डजन, 500 रुपीज़ डजन। यस, बहुत ही प्यारा लग रहा है कॉम्बिनेशन इसका। अरे और अभी भाई यहाँ पे ऑटो सिंगलर भी दिख रहा है, इनका क्या प्राइस है? ऑटो सिंगलर 125 ईच में पड़ेगा आपको, 125 ईच। अगर पैरिंग में लेते तो, अगर क्वांटिटी में लेते तो फिर डिफरेंट प्राइस हो जाता है। ओके, और यहाँ पे अभी मॉन्स्टर फिश दिख रहा है, ये टाइगर शेवल नोज है, टाइगर शेवल नोज आपको पड़ जाएगा 600 फोर पैर में, 600 रुपीज़ पेयर। और अभी ये वाला कौन सा फिश है? क्लाउन नाइफ है। ओके, क्लाउन नाइफ, इसका क्या प्राइस है? 300 रुपये पैर, 300 रुपीज़ पेयर। यस, ये सभी मॉन्स्टर फिश आ रहे भाई? मॉन्स्टर ही दोनों, बड़ा होने वाला है, क्लाउन नाइफ जो स्पेरिंग आता है बॉडी पे वो है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे हाई फिन प्लैको है, हाई फिन प्लैको। ओके, ये वाला कितने तक मिल जाता है? बिगर साइज का 800 रुपये पीस है, 800 रुपीज़ पर पीस, इम्पोर्टेड वराइटीज। बहुत अगर आप कोई अच्छा हट के प्लैको रखना चाहते हो तो आप उसको रख सको, काफ़ी नॉर्मल प्लैको से डिफरेंट है, कलर में काफ़ी खूबसूरत है, ये बहुत बढ़िया दिख रहा है। सारी में यहाँ पे क्लाउन लोच फिश दिख रहा है। यस, क्लाउन लोचेस है, 2 इंचेस का साइज है, फिश है भाई, ये भी मॉन्स्टर है, बड़ा होता है ये भी। ओके, इसका क्या प्राइस है? क्लाउन लोचेस आपको पड़ जाएगा 500 रुपीज़ फॉर पेयर में, 500 रुपीज़ पेयर। यस, ओके, अगर बड़े साइज में चाहिए तो मिलता है अपने पास? बड़े वाला भी अवेलेबल है, अवेलेबल है अरे भाई। यस, बड़े वाला बता। ओके, यहाँ पे बड़े साइज में देखिए कितना प्यारा कलर दिख रहा है आरी भाई, वो थोड़े छुपे छुपे हुए। आरी भाई देखिए कितना प्यारा कलर दिख रहा है बड़े साइज में, बिगर साइज के क्लाउन लोच है, ये मिनिमम 6-7 इंच का साइज है लुक का। ओके, 1200 इंच में पड़ेगा, 3 ही पीस पड़ा हुआ मेरे पास। ओके, आप अरवानास के साथ में या फिर आप इसको डिस्कस के साथ में या फिर आप इसको पैरेट के साथ में, ऑस्कर के साथ में भी रख सकते हो, बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज के साथ रख सकते हैं। क्लाउन लोच प्यारा दिखता है, क्लाउन लोच जो सब अच्छी है, कि किसी को प्रॉब्लम नहीं करता है, बॉटम हीटर है और अच्छा है, बॉटम में जाने वाला खाना खाता है। यहाँ पे इम्पोर्टेड कोई फिश दिख रहा है आपके पास में? ये कोबाटो ही कोई है। ओके, इम्पोर्टेड वराइटीज में आती है, बड़ा साइज है ये, मिनिमम 1 फीट का, मतलब 1 फीट समथिंग साइज है, लुक का बड़ा है। अगर इसमें 2 कलर है, गोल्डन एंड ये कलर है, ब्लैक एंड वाइट मार्बल कलर में। ये लोग का जो आगे का फेस है आप देखेंगे, ये लोग का मुँह आगे, बहुत प्यारा दिख रहा है। इसका प्राइस कैसा है अभी? बड़े साइज में अगर आप लेना है तो आपको 1200 इंच में पड़ेगा, 1200 रुपीज। क्वालिटी भी दिख रहा है अभी, तो बहुत ही प्यारा दिख रहा है ये, इम्पोर्टेड से मैं आपको बताता हूँ, छपन छुपे का बाद बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
डिजाइन गुलामी 700 रुपए की 700 रुपये। और राजीव भाई यहाँ पे स्नेल्स भी लाए आपने? यहाँ पे स्नेल एप्पल स्नेल है, रैबिट स्नेल है इसमें, और बोगिया स्नेल है। ओके, तो ये कितने के आ रही भाई? ये वाले आपको नॉर्मल जो एप्पल स्नेल है वो सस्ता है, 60 रुपीज़ पैर है, 60 रुपये जोड़ी में, 60 रुपये जोड़ी। अदर जो स्नेल है इसके अंदर इम्पोर्टेड वाले, ये वाला, हाँ ये देखो ना, ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड बोलते हैं इसको। ये कितने तक मिल जाता है? ये 150 पर पीस के हिसाब से आते हैं। ओके, और वहाँ पे ये दिख रहे हैं अरे भाई, रैबिट स्नेल बड़े वाला। ओके, ये कितने तक मिल जाता है? समथिंग 150 रुपीज़ ईच। अगर आपको प्लांटेड या फिर आपका फिश टैंक है जिसमें एल्गी होता है तो आप उसको डाले, एल्गी वगैरह खा लेता है। ओके, यानी उसमें भी आपने यानी वेराइटीज लाई है स्नेल्स में भी? स्नेल के अंदर 3 वरायटी 4 वरायटी अवेलेबल है अभी फिलहाल प्रेजेंट में। बहुत बढ़िया रहता है। और अरे भाई यहाँ पे फिश दिख रही है, कौन सा रहता है? टेंजरीन एंड सेंटा है इसके अंदर, और सॉटेल है, और तो आपको ये 100 रुपीज़ पैर में आपको मिल जाएगा इसके अंदर। 100 रुपीज़ पैर में मिल जाएगा, 10 डजन में, 500 फॉर डजन में, 500 रुपीज़ में, 500 फॉर डजन में मिलेगा आपको, 500। और अरे भाई यहाँ पे दिख रहा है ये तो बातू को ही है। ओके, ये कितने तक मिल जाते हैं अपने को? 100 रुपीज़ इंच के हिसाब से आएगा। 100 रुपीज़ इंच, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। लेकिन अरे भाई नॉर्मल को इसे तो बहुत ही प्यारा दिख रहा है। ये एक्चुअल कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल वाला जो है इसके अंदर का, तो वो आपको कुछ समथिंग 600 पैर में आ जाएगा। ओके, बट अभी नहीं है वो, हाँ थोड़ा रमजान से था इंशाल्लाह आ जाएगा। ये थोड़ा कॉपी है, बट ये 100 रुपीज़ इंच के हिसाब से दिखने में बहुत बढ़िया दिख रहा है। बिगर साइज के सेंटा क्लॉज है, सेंटा क्लॉज बिगर साइज के, बड़े साइज के, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें ब्रीडिंग स्टॉक है। अच्छा, तो ये आपको समथिंग डजन में लेंगे तो आपको पड़ जाएगा 600 रुपये डजन में, 600 पर डजन। इनको किसके साथ रख सकते हैं? नॉर्मली आप उसको मॉलिस वगैरह या गुलफिश वगैरह के साथ में भी चलता ही है, इतना प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लाइव एरर है मॉलिस के साथ। यहाँ पे सियामी सल्गीट है, चाइनीज सल्गीट है, कॉरीज है, ग्रीन कॉरी, अल्बिनो कॉरी। ओके, तो आपको ये डजन पे लेंगे, सियामी सल्गीट है 500 फॉर डजन है, एंड चाइनीज सल्गीट है डजन पे 500 डजन है, एंड पैरिंग में समथिंग 150 फॉर पैर है। और इसके अलावा कॉरी, अल्बिनो कॉरी है, अल्बिनो कॉरी वगैरह आपको समथिंग डजन में 500 फॉर डजन है, 500 रुपीज़ डजन। और ग्रीन वाला कितना बोला? ग्रीन वाला आपको 700 फॉर डजन में पड़ेगा, अगर पैरिंग में लेंगे 154 पैर में। और ये वाले जो प्लांट्स दिख रहे हैं भाई, ये अनुबियस गोल्ड है, गोल्ड है अनुबियस गोल्ड, अनुबियस गोल्ड बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है ऑलवेज। ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं भाई, ये एक्चुअल जिस तरह से हैंग किया जाता है इसको, ये शूट आता है इसका अनुबियस का, ये एक शूट है गोल्ड बोलते हैं इसको। ओके, काफ़ी खूबसूरत लगता है, तो ये बढ़ता है, ख़राब नहीं होता है इसको, एक लीव्स आता है अंदर से। ओके, तो ये समथिंग 350 शूट है, 350 रुपीज़ शूट पर शूट, इसको ऐसा हैंग करना है इस तरह से, हैंगर में डाल देना है? नहीं, आप कॉटन या फिर किसी में भी आप ग्लू से चिपकाना चाहते हो चिपका सकते हैं 3 फुट के ऊपर। ओके, इस तरह से आपका 3 फुट पे इस तरह से लगता है। ग्रेट ग्रेट आरिफ लीव्स वाला, लॉन्ग लीव वाला है ना आरिफ ये? हाँ, अनुबियस ग्लाबरा। ओके, तो आरिफ एज यूजुअल अपने पास में प्लांटेड प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स है, तो इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए प्राइसेस वगैरह। प्लांट्स हमारे पीछे के शॉप में और आगे के शॉप में दोनों में अवेलेबल है, हमारी दो शॉप है, एक फ्रंट रोड के ऊपर है जो परी टू है, और पीछे जो गली में जो पुरानी वाली वाली परिवन है। ओके ओके, तो प्लांट्स दोनों में अवेलेबल होते हैं, तो समथिंग इन लोगों का प्राइस होता है 100 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, 100 से लेकर 200 तक है। ये कोकम्बर्स वगैरह है, ग्रीन कोकम्बर्स है ये। ओके, रेड वाला भी, रेड कोकम्बर यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत ही रेयर अवेलेबल होता है ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ होने वाला कोकम्बर्स है, तो ये फास्ट ग्रोथ होता है इन लोग का। ओके, तो हमें 100 रुपीज़ से प्राइस स्टार्ट होता है ना अरे भाई? यस यस, यहाँ पे हमारे पास में आपको सिलिकॉन टॉयज वगैरह मिलेंगे, ये वाले जो फ्लोरोसेंट होते हैं, इसके अलावा कोरल्स है यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारी इंपोर्टेड वैरायटीज़ के मेरे पास वैरायटीज़ के कोरल्स हैं, और ये सिलिकॉन टॉयज वगैरह जो है कोरल है यहाँ पे एंटिक टाइप्स के, इनका कलर नहीं आता है, पानी में ग्लो करते हैं। ओके, इनका शाइन मारता है पानी के अंदर लाइट के वजह से, ये सब मेरे पास अवेलेबल है, ये चीज़ें हैं, और टॉयज वगैरह काफ़ी एक्सेसरीज है, फूड वगैरह, स्पंज फिल्टर वगैरह सब कुछ है यहाँ पे डालने का, फूड डिफरेंट वैरायटीज दिख रही है। हाँ, बेटास फूड मिलता है ना, टर्टल फूड वगैरह ऑल है यहाँ पे, बेटास के छोटे पार्टीशन वाले टैंक्स है, इम्पोर्टेड टैंक्स है यहाँ पे अवेलेबल,
इम्पोर्टेड टैंक भी रखे आ रही है यहाँ पे। टॉयज बड़ा साइज में है अवेलेबल, यहाँ पे देखेंगे आप बड़े वाले टटल फूड है वहाँ पे, इसमें देखेंगे यहाँ पे नीचे। और यहाँ पे आरिफ भाई फिल्टर वगैरह भी, ये फिल्टर है अलग अलग कंपनी है उसके, हीटर वगैरह एक्मेन का हीटर है, अच्छे क्वालिटी का हीटर है यहाँ पे। लाइट्स है, इम्पोर्टेड टैंक्स है डॉल्फिन का मेन टैंक, और टाइमर फीडिंग भी है, यानी छोटा वाला जो इम्पोर्टेड टैंक ऑनलाइन भी मिलता है, बट अपने यहाँ पे तो और कम प्राइस में मिल जाएगा। चलो ये काफ़ी डॉल्फिन का मिनी टैंक्स है, काफ़ी खूबसूरत लगता है, इसमें बेटास वगैरह लिक्विड्स है, लाइट्स है वगैरह सब कुछ है, एसेसरीज में यहाँ पे पिंजरा वगैरह बाहर सब कुछ मिलता है। ये भी रखा हुआ है, बहुत सारी वराइटीज है, बर्ड्स केज वगैरह और बहुत सारी वराइटीज है, पत्थर स्टोन वगैरह। हाँ स्टोन वगैरह जो है पब्लिक आती है जो इधर उधर भागती है उनके लिए रखा है ये सब वराइटी। और मेरे पास फ्लोटिंग्स में प्लांट से आपको बता दो, आप आगे रोड पे बढ़ते, ये फ्लोटिंग प्लांट्स से ये आप देख सकते हैं इनका। क्या नाम है कुछ? इनके नाम अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ये देखेंगे फ्लोटिंग प्लांट्स से इसको। यानी ये आउटडोर पॉन्ड में अगर कोई रखना चाहता है तो वहाँ पे रख सकते हैं, अलग ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए अच्छे रहते हैं ये, ये बेस्ट होते हैं गप्पीज वगैरह के लिए। शायद आपने वीडियो बनाया देखा रहेगा हमारा, जो वीडियो भाई ने बनाया था अनुप भाई के साथ में वीडियो बना था उसमें, उसमें डकवीट था। हाँ ये और डिफरेंट वेराइटीज है प्लांट्स, इनके नाम से अलग अलग होते हैं थोड़े से। यस यस, तो अलग अलग सेम ही रहता है, सेम फ्लोटिंग के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं ये प्लांट। ये लोगों थोड़ा सा ग्रोथ के लिए अच्छा, नीचे तो लोगों कैल्शियम वगैरह मिलता है इससे, थोड़ा सा कपीज वगैरह हेल्थी रहती है इससे, है ना। टर्टल टैंक भी अपने पास, टर्टल टैंक ये साइज मिनिमम है, ये बड़ा साइज है थोड़ा सा आपका बड़ा है तो अवेलेबल, तो ये है, फिर ये है दूसरा, फिर टैंक्स है इम्पोर्टेड में सुबोस वगैरह के, यहाँ पे देखेंगे आप। तो अरे भाई बहुत ही प्यारा था कलेक्शन लाया आपने इस बार भी, और आपने बहुत सारा लोगों का ध्यान में रखा है, यानी जो कस्टमर है उनका, कि छोटा फिश भी कॉम्बिनेशन लाया है बड़े फिश का भी, जिनको जो बाय करना है वो बाय कर सकता है, और यानी कोई नाराज होकर आपके शॉप से नहीं जाएगा, उसके लिए बहुत थैंक्स आपको। एक्चुअली आप लोग को बोलूँगा, मैंने दो शॉप इसलिए किया हो, क्या कभी कुछ वैरायटी नहीं मिल रही तो आपको आप पीछे की शॉप में चले जाओ, अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आगे एक शॉप में चले जाओ, आपको कुछ ना कुछ वैरायटी मतलब अलग टाइप में देखने के लिए मिलेंगे, आप बाय कर सकते हो इजीली, तो आपको वैरायटीज़ देखने के लिए मिलेगी। और दूसरा एक चीज़ बोलूँगा कि रमज़ान का महीना चल रहा है, आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं रमज़ान की, और आपका रमज़ान अच्छा जावे। सेम टू यू, थैंक यू। और बने रहिए वीडियो के साथ, और जो भी बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाया हो, काफ़ी महीने हो चुके, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है बता रहा हूँ आप लोग को, लिटिगेशन चल रहा है उसके वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है, और रमज़ान की वजह से शॉप का टाइमिंग चेंज हो चुका है थोड़ा सा, तो वो हिसाब से टाइम नहीं दे पा रहा, रात में जल्दी जाना पड़ता है, शहरी में उठना पड़ता है, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब स्टार्टिंग के इंशाल्लाह गाँव में आते हैं, ठीक है यार भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपके साथ में हैं, और हैप्पी रमजान आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, बाय। ऊपर में जो सर्कल दिया है उस पर क्लिक कीजिए, और फिशेस एंड प्लांट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।